हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मेरा नाम है तरुण। आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज जो है एक आसुस के लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये 2018 का जो लैपटॉप है उसको मैं 2020 में क्यों रिव्यू कर रहा हूँ। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये लैपटॉप जो है 2020 में भी वर्थ वाइल परचेज है, इसके बारे में मैं आपको आज कम्प्लीट बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लैपटॉप जो है 2018 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम जो है इसका प्राइस ऑलमोस्ट 37K के अराउंड था। उस टाइम के हिसाब से ये लैपटॉप जो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बहुत पॉपुलर भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके वो उस प्राइस कैटेगरी में कहीं स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज की डेट में इसका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 30,000 की कैटेगरी में आ चुका है। और अगर आप इसको देखें कि 30,000 की कैटेगरी में आपको एक लैपटॉप ऐसा मिलता है जो कि राइजन 5 के साथ आता है, ये बात आपकी सही है कि ये राइजन 5 के सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर के साथ आता है, लेकिन तब भी अगर राइजन 5 2500U प्रोसेसर इसमें लगा है तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर सकता है। मैं आज कंप्लीट रिव्यू करूंगा इस लैपटॉप को और मैं कंपेयर भी करूंगा कि किस तरीके से ये डिफरेंट है राइजन जो थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर हैं, जैसे कि राइजन 5 का 3500U जो प्रोसेसर है उससे मैं इसको डायरेक्टली हेड ऑन कंपेयर करूंगा और मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये स्टैंड आउट करता है और ये क्यों जो है 30,000 की कैटेगरी में मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया लैपटॉप है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो बिल्ड की। मुझे इसका बिल्ड बहुत पसंद आया है। इसका बिल्ड जो है ये पूरा मेटालिक बिल्ड है। अंदर से थोड़ा सा, मतलब जो यहाँ कीबोर्ड लगा है वो थोड़ा सा प्लास्टिक की फील देता है, लेकिन आउटसाइड से ये बिल्कुल मेटालिक बिल्ड है। तो इस वजह से इस लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। दूसरी चीज़ जो है, ये लैपटॉप जो है 1.6 kg का है। सिर्फ 1.6 kg का अगर लैपटॉप होता है तो ये बहुत हल्का होता है, मतलब आपको कहीं कैरी करने में कभी भी इसको ट्रबल नहीं होगा। तीसरी चीज़ अगर इसकी बात करें तो ये बहुत स्लिम लैपटॉप है। जैसा कि आप आसुस की वेबसाइट पर देख सकते हो, ये लैपटॉप जो है ये 18.9 mm थिन है, मतलब ये काफ़ी स्लिम लैपटॉप है और काफ़ी लाइट वेट है। तो 1.6 kg इसका वेट है और 18.9 mm इसकी थिकनेस है, तो बहुत स्लिम लैपटॉप है। तो आगे बात करते हैं इससे कुछ स्पेक्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो है राइजन 5 का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा है जो कि सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है, मतलब इसमें राइजन 5 2500U प्रोसेसर लगा है। और इसमें जो है आपको 4GB और 8GB का दोनों वेरियंट मिल जाएगा और इसमें DDR4 रैम है, मतलब इसमें 4GB और 8GB DDR4 रैम का वेरियंट आपको मिल जाएगा जो कि 2400 MHz पे बेस्ड है। और इसका जो प्रोसेसर है वो 2 GHz की बेसिक क्लॉक स्पीड के साथ आता है जिसको आप टर्बो बूस्ट के साथ 3.6 GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। इसकी जो रैम है वो आप 16GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको रैम अपग्रेड करना हो तो जरूर से मेरा रैम अपग्रेड वाला वीडियो उसको देख लीजिए आप जाके, और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लैपटॉप की रैम अपग्रेड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो गया है। अब आगे बात करते हैं जो है इसके हार्ड डिस्क की। तो इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है जो कि 5400 RPM पे बेस्ड है। अब बात करते हैं इससे ग्राफिक्स की। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये भी जो है AMD के रेडॉन वेगा 8 ग्राफिक्स पे बेस्ड है। तो जैसा आपको पता है कि जो राइजन 5 प्रोसेसर है जो थर्ड जनरेशन वाला भी, वो भी AMD का रेडॉन वेगा 8 ग्राफिक्स पे बेस्ड है और ये भी AMD रेडॉन वेगा 8 ग्राफिक्स पे बेस्ड है। तो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, ये आपको बैंग फॉर बक ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देगा अपने कैटेगरी में। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसका डिस्प्ले जो है वो एक 15.6 inch का फुल HD डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले जो है ये आपको मिलेगा एकदम, कहते हैं ना कि बहुत कम बेजल के साथ। तो ये इसको जो है ASUS वाले इसको नैनो बेजल बोलते हैं। ये 7.7 mm बेजल पे है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो है 81%। तो ये मतलब जब आप इस लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपको बहुत मोटे मोटे बेजल नहीं देखने को मिलेंगे सामने, और आपको एकदम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है सब काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस लैपटॉप में आपको वाईफाई AC देखने को मिल जाएगा, आपको इसमें ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिलेगा, और ये जो दोनों चीजें हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। और ये भी है इसमें, आपको इसमें एक लैन पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जो कि आजकल काफी लैपटॉप अवॉइड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इसमें आपको 2 USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एक आपको इसमें 3.5 mm जैक मिल जाएगा जिसमें आप जो है हेडसेट भी लगा सकते हो। इसमें आपको SD कार्ड रीडर देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसमें AC अडाप्टर लगाने का पोर्ट एक दिया हुआ है। एक इसमें आपको LAN पोर्ट डेडिकेटेड मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें आपको HDMI देखने को मिल जाएगा। दो बहुत फास्ट USB के पोर्ट मिलेंगे जो है, एक उसमें से है USB Type-C का पोर्ट है जो कि काफ़ी
फास्ट रीड एंड राइट स्पीड को सपोर्ट करता है, और दूसरा जो है यूएसबी 3.1 का पोर्ट है, ये भी काफी फास्ट रीड एंड राइट यूएसबी को सपोर्ट करता है। इसमें जो है आप हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें आपको जो है विंडोज 10 जो होम देखने को मिल जाएगी, जो कि 64 बिट पे है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की स्क्रीन। इसमें डिस्प्ले के साथ एक इनबिल्ट इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें इन्होंने कई सारे ऐसे मोड दिए हुए हैं जो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक नॉर्मल मोड है, इसमें एक आई केयर मोड है, इसमें एक विविड मोड है, और इसमें एक मैनुअल मोड है, जिसमें आप अपने हिसाब से हर सेटिंग को सेट कर सकते हो। तो इन्होंने काफी कस्टमाइजेशन दे दिया डिस्प्ले के मामले में। अब बात करते हैं ऑडियो की। तो ये ऑडियो में जो है इन्होंने काफी अच्छा दिया हुआ है। 2 स्पीकर इनमें लगे हुए हैं नीचे, और ऑडियो में भी इन्होंने जो है काफी कस्टमाइजेशन दे दिए हैं। गेमिंग के लिए एक आपको इन्होंने पहले से प्रीसेट दे दिया है, गेमिंग के लिए, मूवीज के लिए, म्यूजिक के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, स्पीच के लिए पहले से इसमें प्रीसेट पड़े हुए हैं, जिसको आप यूज करके कि अपने ऑडियो के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। इसका कीबोर्ड लेआउट काफी अच्छा है, इसका ट्रैक पैड भी काफी बड़ा है। बस एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं दिया हुआ है, तो ये मुझे इसमें थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट लगा। और इसमें टच अनलॉक फीचर भी नहीं है, जो कि इसके नेक्स्ट जनरेशन वाले राइजन 5 3500U वाले जो एसुस के लैपटॉप है उसमें आ गया है। अब बात करते हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। एसुस क्लेम करता है कि इसके जो कूलिंग है वो बहुत इन्होंने एफिशिएंट बनाई है, और जहां पे अपनी पाम आप रेस्ट करते हो लैपटॉप में वो हमेशा 36 डिग्री के अंडर में मेंटेन रहता है, ताकि आपके बॉडी टेम्परेचर से वो ज्यादा ना फील हो आपको, तो अगर आप को गर्म नहीं लगेगा वो यूज करने में। एसुस की आइस कूल टेक्नोलॉजी यूज की है, जिसमें स्मार्ट फैन और हीट पाइप होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो इसमें जो है 45 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है, जो कि ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि 5-5.5 घंटे तक इजिली बैकअप आपको दे देगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। एक ऐसा लैपटॉप 2018 में जो आया था, जो 2020 में भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रहा है आपको इस प्राइस कैटेगरी में, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। और ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि 49 मिनट्स में 60% बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं बेंचमार्क परफॉर्मेंस की, और मैं ये भी देखूंगा कि किस तरीके से जो है AMD का राइजन 5 2500U जो प्रोसेसर है वो राइजन 5 3500U के अगेंस्ट परफॉर्म करता है नेक टू नेक बैटल में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन दोनों का परफॉर्मेंस है। जैसा आप देख सकते हैं AMD का Ryzen 5 2500U जो है वो 2 GHz पे बेस्ड है, और AMD का Ryzen 5 3500U जो प्रोसेसर है वो 2.1 GHz बेस्ड है, और दोनों की जो है टर्बो बूस्ट पे 3.6 GHz आती है और एक की 3.7 GHz आती है। तो 0.1 GHz का आपको यहाँ पे सीधे बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं दोनों के कोर। दोनों क्वाड कोर प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप है, और दोनों हाइपर थ्रेडिंग को भी सपोर्ट कर, ओवरक्लॉकिंग को जो है दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं। कैसी दोनों की 4 MB की है। अब बात करते हैं दोनों के ग्राफिक्स की। तो दोनों जो है AMD Radeon Vega 8 ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं, और बस डिफरेंस क्या है कि जो Ryzen 5 2500U जो प्रोसेसर है वो 1.1 GHz के ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, और जो ये 3500U जो है ये 1.2 GHz के ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, जो कि 0.1 GHz ज्यादा हुआ। दोनों DirectX वर्जन 12 को सपोर्ट करते हैं, दोनों 14 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, दोनों में 512 शेडर हैं, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। तो अब बात करते हैं किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस है वेरियस बेंचमार्क स्कोर में। जैसा आप देख सकते हैं कि सिनेबेंच में जो है सिंगल कोर पे अगर आप देखो तो 328 है Ryzen 5 2500U का, और 360 है 3500U का। अब सिनेबेंच मल्टी कोर की बात करते हैं तो 2500U का जो है 1352 स्कोर है। अब सिनेबेंच मल्टी कोर की बात करते हैं तो 2500U का जो स्कोर है वो है 1352, और 3500U का जो स्कोर है वो है 1483। अब IGPU परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 2500U का स्कोर जैसा आप देख सकते हैं कि 1126 है, और जो है आपका Ryzen 5 3500U का जो है वो 1229 है। जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आ रहा है दोनों के बीच में। अब भाई AMD Ryzen 5 3500U जो है ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, तो ये ऑब्वियसली लीड ही करेगा हर परफॉर्मेंस में। अब Geekbench स्कोर की बात करते हैं, सिंगल कोर पे जो है 672 स्कोर है 2500U का, 3500U का जो स्कोर है वो 727 है, और मल्टी कोर की बात करें तो 2524 स्कोर है, और मल्टी कोर पे जो है 3500U का जो स्कोर है वो 2579 है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो 2500U और 3500U प्रोसेसर में। प्राइस के बारे में बात करना चाहूंगा मैं, 30,000 की कैटेगरी में अगर आपको ये लैपटॉप मिल रहा है Amazon पे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टील डील है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ज्यादा 3500U से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिसका बजट 36 के कैटेगरी में है वो Ryzen 5 3500U प्रोसेसर ले, क्योंकि वो नया प्रोसेसर है, उसका सपोर्ट लॉन्गर टाइम तक
रहेगा और वो थोड़ा फास्टर है। तो ये था मेरा आज राइजन 5 का रिव्यू। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जो भी आप कमेंट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं मेरे को, और ये पॉजिटिव कमेंट्स ही ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।